हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्राइडल मेकओवर, दुल्हन मेकअप कैसे करेंगे इस तरह के एक्ने पिगमेंटेशन वाले स्किन पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने तो फेस को क्लिंजिंग कर लिया था और क्लिंजिंग करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मैं कर रही हूँ अच्छे से फेस को वाइप की मदद से क्लीन। और क्लीन कर लेने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर टोनर फ्रॉम प्लम, और स्प्रे कर देने के बाद मैं उसे ड्राई कर लूँगी। और इस तरह से अच्छे से ड्राई कर लेना है आपको। और उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं न्यूट्रोजना की वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। आप यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो कि गर्मियों के लिए है, यानी कि वाटर बेस्ड है। स्किन जो है यहाँ पे ज़्यादा ऑयली भी नहीं है तो ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन है यहाँ पे। तो मैं जो है मेकअप इसी तरह से करूँगी और आप देखो किस तरह से मैं कर रही हूँ अच्छे से। पूरे गर्दन पे, कानों पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र को। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ PSC की ऑयल कंट्रोल प्राइमर। PSC की ऑयल कंट्रोल प्राइमर मैं हाथ पे ले रही हूँ और उसे स्किन पे इस तरह से जहाँ पे भी टी जोन है, ऑयल्स आता है वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी। ये प्राइमर है तो हम टी जोन पे ही अप्लाई करेंगे, गर्मी है इस वजह से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। दो फिंगर की मदद से अच्छे से रैप कर देना है स्किन पे और उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे कुछ सेकेंड्स तक। PSC की ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एसा ब्रेस फ्रॉम रिकॉर्ड, और ये प्राइमर यूज़ कर लूँगी मैं टी जोन पे। इस तरह से टी जोन पे अच्छे से फिर से अप्लाई कर रही हूँ मैं प्राइमर, और अप्लाई करने के बाद हम इसे भी कुछ सेकंड्स तक छोड़ेंगे। और आप देख सकते हो कि किस तरह से हम प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर जो है मेकअप को होल्ड करता है, आप जो स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बनाता है और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो हम आर्टिफिशियल जो हम मेकअप चढ़ाते हैं स्किन पे, उसे आप उस मेकअप को आपकी स्किन तक पहुंचने से प्रोटेक्ट करता है। तो प्राइमर लगाना ज़रूरी है, लॉन्ग स्टे करवाता है मेकअप को, इसलिए आप हमेशा प्राइमर लगाएं और अच्छी क्वांटिटी में भी लगाएं। बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, प्राइमर की अपनी क्वांटिटी होती है। तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया बस उसी क्वांटिटी में आपको प्राइमर की एप्लीकेशन कर देनी है। और अब आप देख सकते हो कि इनकी फेस पे पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा है, एक्ने मार्क्स भी है, रेड एक्टिव एक्ने है। तो अब मैं कर रही हूँ कंसीलिंग, और कंसीलिंग के लिए मैंने उठाया है डर्मा पैलेट, जो कि कैमोफ्लेज पैलेट भी इसे हम बोलते हैं, और इससे मैं करूँगी कंसीलिंग। कंसीलिंग करने के लिए मैं दो सेड मिक्स एंड मैच कर रही हूँ यहाँ पे, और दो सेड को मिक्स एंड मैच करके इनके फेस से डार्कर टोन को मैं क्रिएट कर दूंगी और अप्लाई कर दूंगी पूरे फेस पे। जहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि पिगमेंटेशन ज्यादा है कम है, तो हर जगह पे आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है। किसी भी फ्लैट ब्रश को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए। मैं इस तरह से अप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी आपको डर्मा से कैसे मेकअप करते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। तो होप कि आपने समझा होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं डर्मा को। डर्मा से मैंने आपको वाटर प्रूफ मेकअप भी करके दिखाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो, अगर आप देख रहे हो यहाँ तक वीडियोस को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक, तो बोलूँगी फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सब्सक्राइब करने के तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि हम भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक लेके आ सके और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर कर सके आपके साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं कर रही हूँ कंसीलिंग डर्मा पैलेट से। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है सुप्रा पैलेट से भी। इससे पहले मैंने आपके साथ फॉरएवर 52 से किस तरह से करेंगे कंसीलिंग वो भी मैंने शेयर किया है। कंसीलर की डिफरेंट एक टॉपिक मैंने आपके साथ दिखाया है आपको किस तरह से हम कंसीलिंग करते हैं, कौन सा शेड किस पे जाती है, कब और कैसे। वो अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको कंसीलिंग के बारे में कोई भी अधूरी नॉलेज नहीं रहेगी, आप पूरी तरह से अच्छे से सीख जाओगे कब और कैसे कौन से सेट से हम करेंगे कंसीलिंग। और इस तरह से अप्लाई कर देना है फेस पे, और उसके बाद मैं करूँगी ब्लेंडिंग।
तो ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, डैब डैब मोशन यूज़ करना है और इस तरह से पूरे फेस में जो हमने कंसीलिंग की उसे हम कर देंगे ब्लेंड। और ब्लेंड करने के बाद में यूज़ कर रही हूँ प्रो आर्टिस्ट फॉर एवर 52 की फाउंडेशन और सॉपरेल की फाउंडेशन। सॉपरेल की जो फाउंडेशन है वो है 04 नंबर और प्रो आर्टिस्ट फॉर एवर की जो फाउंडेशन है वो उसकी सेड है कस्टर्ड। दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं क्रिएट कर रही हूँ इनके टोन की फाउंडेशन। आपको क्लाइंट को बहुत ज़्यादा गोरा नहीं करना है, जो सेड है उनका आपको बस उसी सेड में काम करना है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपकी क्लाइंट नहीं बोल रही कि मुझे फेयरर दिखना है, मुझे थोड़ा गोरा दिखना है, तब तक आप बस उन्हीं के सेट में काम करोगे। अगर क्लाइंट बोल रही है कि मुझे थोड़ा सा डार्क है, अगर उन्हें थोड़ा सा गोरा दिखना है, तो आप लाइटर सेट के फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो विद डिफरेंट टेक्निक। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर और सॉपरेल के फाउंडेशन। मैंने मिक्स एंड मैच करके इनके सेट की फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है और इस तरह से अप्लाई करते हुए मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। कानों पे भी अप्लाई करूंगी, नीचे गर्दन पे भी अप्लाई कर दूंगी फाउंडेशन को और अच्छे से उसे ब्लेंड कर दूंगी। मोशन जो होगी अगेन हमारी होगी डैबिंग मोशन, प्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, अच्छे से इस तरह से हमें ब्लेंड करना है। और आप देख सकते हो ब्लेंडिंग करने के बाद मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फ्रॉम फॉरएवर 52, सेड है 01 और इस तरह से मैं कर लूँगी हाईलाइटिंग। इस तरह से ये सब एरियाज़ जो होती हैं हमारी हाईलाइटिंग एरियाज़ होती हैं इस तरह से बॉन्ड की मदद से मैं अप्लाई कर दूंगी और फिर हम उसे कर लेंगे ब्लेंड। आपने देखा कि मैंने बहुत टाइम आपको बताया है कि किस तरह से हम करते हैं हाईलाइटिंग, तो ये सारी एरियाज़ जो हैं हमारी हाईलाइटिंग एरियाज़ है जिससे हम हाईलाइटिंग करते हैं, जिससे हमारी फीचर्स जो है और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो इस तरह से हमें करना है ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद आप देख सकते हो मोशन जो है हमारी डैबिंग है बहुत अच्छे से, बहुत कम प्रेशर के साथ में काम कर रही हूँ। इसी तरह से ब्लेंडिंग करना है आपको भी अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो। ब्लेंडिंग कर लेने के बाद मैं उसे सेट करूंगी पीएससी की पाउडर के साथ। ये है ट्रांसल्यूशन पाउडर फ्रॉम पीएससी, निकाल लूंगी प्लेट में निकाल लीजिए या फिर आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से पिज़्ज़ा पफ की मदद से। पीएससी की ही ये पिज़्ज़ा पफ है जिसकी मदद से मैं सेट कर रही हूँ पूरे फेस को और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है, पाउडर सेटिंग करना है पूरे फेस में। गर्दन पे भी जो आपने लगाया फाउंडेशन वहाँ पे भी हम सेटिंग करेंगे, कानों पे अगर अप्लाई किया है तो वहाँ पे भी हम सेट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमने फाउंडेशन वगैरह लगाया है वो हर जगह को पाउडर की मदद से सेट कर रही हूँ। और सेट करने के बाद थोड़ा सा पाउडर जो है अंडर आइज़ में मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप, जिसके लिए अगेन मैंने फॉरएवर की 01 सेड लिया है और उससे मैं आई के ऊपर पहले कंसीलिंग कर दूँगी इस तरह से और उसके बाद मैं उसे कर दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ बस, और उसके बाद जो है मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। छोटा सा मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम पीएससी, अगेन ये भी पीएससी की है। पीएससी की हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है गाइस, इसकी पिज़्ज़ा पफ भी मैंने यूज़ किया और इसकी बड़ी वाली जो ब्लेंडर थी वो भी पीएससी की थी और ये छोटी वाली भी पीएससी की है। मार्केट में बहुत सारे अभी ब्लेंडर्स आ गए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात, जो मैंने देखा मॉल्स वगैरह में भी मिल जाती है, बहुत सस्ते प्राइस में मिलती है और वो भी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ कार्निवल पैलेट जिससे मैं करूँगी आई मेकअप स्टार्ट और उसके लिए मैंने लिया है ब्राउन सेड। सबसे पहले मैं ब्राउन पिक कर रही हूँ, एक
मोटा सा फ्लफी ब्रश की मदद से और क्रीज लाइन के ऊपर मैं अच्छे से उसे ट्रांजिशन कलर के रूप में मैं यहाँ पे ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। और ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने ब्राउन पिक किया और उसके बाद मैं उसे ब्लेंड करने के बाद लूँगी। मैंने थोड़ा सा कैमरा को जूम कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से आई मेकअप को देख सको। और उसके बाद मैं ले रही हूँ डार्कर टोन, यानी कि ब्राउन जो कलर है उससे डार्कर टोन यानी कि मैरून कलर मैं यहाँ पे उठा रही हूँ, डार्क मैरून कलर में ले रही हूँ और उसे मैं यूज़ करूँगी क्रीज लाइन के नीचे। इस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है पहले, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंडिंग जब हो जाए, आपको लगे कि कलर आ गई है, तो उसके बाद हमें लेना है डार्कर कलर। और डार्कर कलर के लिए मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ कर रही हूँ मैरून कलर। छोटी सी ब्रश ले रही हूँ, ये बेले की ब्रशेज़ हैं, और इस तरह से मैं नीचे अप्लाई कर दूँगी। बहुत अच्छे से कम कम शैडो लेके अप्लाई करना है। आई मेकअप करते समय, ब्लेंडिंग करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत अच्छे से मेकअप मतलब ब्लेंडिंग करोगे तभी आपकी लुक जो है वो अच्छी दिखेगी, एकदम फ्लॉलेस दिखेगी अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे। तो देख सकते हो आप कि मैं धीरे धीरे ले रही हूँ, और ये कम से कम 4-5 मिनट की वीडियो होगी सिर्फ ब्लेंडिंग की, जो मैंने आपके लिए कट करके बहुत कम समय में आपको दिखा रही हूँ। तो आप सोच ही सकते हो कि मैंने कितना मतलब अच्छे से ब्लेंडिंग किया होगा। और इस तरह से धीरे धीरे ले रही हूँ शैडो, और फिर मैं उसे ब्राउन के साथ मिक्स एंड मैच करके इस तरह से शेड क्रिएट कर रही हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ उसी पैलेट से, सेम पैलेट से सिमर जो कलर है गोल्डन कलर, वो मैं यूज़ कर रही हूँ इन द मिडल ऑफ द लिड। और इस तरह से मैं अप्लाई कर दूंगी पहले हाथों की मदद से, और हाथों की मदद से अप्लाई करने के बाद ब्रश भी मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि उसे अच्छे से फैला लूँ चारों तरफ। और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लुक आ रही है। आप चाहो तो इस आई मेकअप को यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी लगती है। एक सटल मेकअप के रूप में आप इसे भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं ले रही हूँ सिल्वर कलर का हाइलाइटर, जिससे मैं हाइलाइट करूँगी आईब्रो बोन्स को। और आईब्रो बोन्स को हाईलाइट करने के लिए आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बहुत बार फिंगर से भी हाईलाइट किया है। किसी भी तरह का सिमर सेड या फिर हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हो आईब्रो बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। सिमिलरली मैं दोनों आईज़ पे कर लूँगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ PSC की आईब्रो पोमेड, जिससे मैं इनके आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी। और आप देख सकते हो किस तरह से मैं आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ध्यान से अच्छे से आपको आईब्रो ड्रॉ करना है। मैंने एक आईब्रो फिलिंग की भी वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो, अगर सीखना चाहते हो किस तरह से हम आईब्रो फिल करते हैं, किस तरह से हम आईब्रोज़ डिफ़ाइन करते हैं, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। और इस तरह से अच्छे से आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर लेना है बहुत हल्के हाथों से। डिफाइन करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी लैसेस, और लैसेस अप्लाई कर देना है दोनों आईज़ पे अच्छे से। मैं लैसेस को अप्लाई कर दूंगी पहले, और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन की जेल लाइनर, जिससे मैं आईज़ के ऊपर थोड़ी सी मोटी ही मैं आज लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से चौड़ी लाइनर मैं ड्रॉ कर दूंगी लैसेस के ऊपर। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर जो यूज़ किया था मैंने आईब्रो बोन्स को हाइलाइट करने के लिए, सेम मैं आईज़ के इनर कॉर्नर को यूज़ करूँगी हाइलाइट करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ PSC की ग्लू, जहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ग्लिटर। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप किसी भी अच्छे से शेड की ग्लिटर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर्स यूज़ किया है, थोड़ी सी चंकी ग्लिटर्स हैं, आप चाहो तो प्रेस ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और ग्लिटर्स यूज़ करने के बाद मैं कर लूँगी फेस को कटिंग, और कंटूर कर रही हूँ यहाँ पे मैं इस तरह से एंगल ब्रश की मदद से। तो फेस को इस तरह से स्क्वीज करके कंटूर कर लेना है, चिक बोन को, जॉ लाइन को कंट्रोल करना है फोरहेड पे, और फिर पतले से ब्रश लेके मैं नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की ब्लश पैलेट, जिससे मैं अप्लाई कर दूँगी चीक्स पे थोड़ा सा स्माइल के साथ। क्लाइंट को बोलना है थोड़ा सा स्माइल कीजिए, और फिर आप इस तरह से अप्लाई कर दीजिए ब्लश को। और ब्लश को अप्लाई करने के बाद हम
जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो आपको पता होगा अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो हाइलाइटिंग। लेकिन उससे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ PSC की ही मिराज टच, और उससे मैं कर दूंगी मेकअप को सेट। इस तरह से यूज़ करने के बाद आईज़ को क्लोज मतलब ढक देना है थोड़ा सा फिंगर से, और फिर मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैंने PSC की मिराज टच यूज़ किया है, स्प्रे कर दिया फेस पे, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की हाइलाइटर जिसकी सेड है ओ माई डार्लिंग। छोटा सा ब्रश ले लेना है, अगर आपके पास फ़ैन ब्रश है तो आप फ़ैन ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से ब्लश के ऊपर हम यूज़ करते हैं हाइलाइटर को, फोरहेड पे, नोज़ पे, लिप्स के ऊपर और नीचे। और अब मैं यूज़ करूँगी मैवलिन सुपरस्टे की लिपस्टिक जिसकी सेड है आर्टिस्ट। इस तरह के फ्लैट ब्रश में यूज़ करूँगी और लिप्स को ड्रॉ कर लूँगी, और आप देख सकते हो कि ये सेड बहुत अच्छी है, ब्राइड के लिए ये सेड बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से पहले आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने कर दिया लिप्स को ड्रॉ, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बिंदी, और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ब्राइड। कैसी लग रही है मेरी ब्राइड आप बताओ फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है इनकी बिफ़ोर एंड आफ्टर की लुक। लास्ट में सेटिंग स्प्रे की मदद से, फॉरएवर 52 की सेटिंग स्प्रे में यूज़ कर रही हूँ जिसकी मदद से मैं फेस को लॉक कर दूंगी। तो ये थी ब्राइडल ट्यूटोरियल, ब्राइडल मेकअप जो आप कर सकते हैं समर में अपने रियल ब्राइड्स पे लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ मेकअप के लिए। और मेकअप को फिक्स करने के बाद मैं करूंगी हेयर स्टाइल, और ज्वेलरी के साथ मैं दिखाती हूँ आपको इनकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, किस तरह से करेंगे रियल ब्राइडल दुल्हन मेकअप समर में, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे करें। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।